आज हम लोग की यूट्यूब फैमिली कैसे सारे, उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे हैं। चले जी, हम बनाने जा रहे हैं पॉपकॉर्न, जो हम बनाएंगे देगची में। अगर ये ना बने ना सही तरह तो मैंने ना इनको खुद ही कच्चा चबा जाना है। देखिए इधर हमारी चाय भी गिर गई है चूल्हे से नीचे। इसको तो ऐसी को बस क्या बोलूँ मैं, कुछ ना कुछ जब चूल्हा साफ करो थोड़े बाद ये कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है। चले मैं आपको दिखाती हूँ पॉपकॉर्न को कैसे फोड़ते हैं। ये हमने बकैची ली है जिसमें हम ये पॉपकॉर्न सारे डाल रहे हैं। ओके, इसको ऐसे सारे कर लो। फिर इसमें आपने डालना है थोड़ा सा ऑयल। बेचारे सूखे सूखे कैसे बनेंगे, इतने सूखे भी अच्छे नहीं होते ना। चलो जी, बेचारों को थोड़ा सा हम कर देते हैं छिल। फिर ये हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया इसमें। ये इसमें भुनने लगे हैं, इससे पहले कि ये फुट फुट करने लगे हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सॉल्ट। आप फिर भी ज़रूरत ऐड कर सकती हैं इसमें, चाहे तो नमक मिर्च मसाले बाकी भी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है, मर्जी है, इट्स डिपेंड ऑन यू। इसको ना हम ज़रा सी आँच तेज़ करके ऐसे थोड़ा सा चम्मच मार देते हैं ताकि ये ना नाराज लूज ना हो जाए जो बाकी हैं, कि हमें तो ऑयल लगाया नहीं है उसको लगा दिए, तो फलाने को लगा दिए। चलो जी, अब देखें ये पॉपकॉर्न बनते हैं कैसे कच्चे चबाने लगते हैं, क्योंकि गुस्सा आ गया तो गुस्से में मैंने स्टेटमेंट जारी कर दिया था। तो ये मेरे ख्याल से हो गए हैं गरम। अब इनको हम ढक देते हैं ताकि ये फुट जाए एंग्री भर की थोड़ा। देखिए मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कि कैसे फुट रहे हैं, आई मीन कैसे ये पॉपकॉर्न बन रहे हैं। बच्चों को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है और ये हेल्दी भी होते हैं, तो आप भी बच्चों को बना के खिलाया करें। अगर कौन बच्चे छली खाते हैं वो भी अच्छा है, सूप पीते हैं, जिस तरह है बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है, ज़रूर खिलाया करें उनको। चलें जी, अब आपको मैं इसकी फाइनल शक्ल दिखाती हूँ तस्वीर लेकर। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।